हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वास्थ्य गाइडी प्रोफेशनल। आज हम समझने वाले हैं ओएसआई मॉडल के बारे में। ओएसआई मॉडल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर। ऐसा माना जाता है कि कंप्यूटर नेटवर्किंग में जिसे ओएसआई मॉडल के बारे में नहीं पता, उसे कंप्यूटर नेटवर्किंग में कुछ नहीं पता। इसलिए आज हम ये टॉपिक लेके आए हैं ताकि आपको इसके बारे में पता लगे। तो व्यूअर, ओएसआई मॉडल की फुल फॉर्म होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये आईएसओ ने डेवलप किया था, आईएसओ ने अप्रूव किया था 1984 में। आईएसओ क्या है व्यूअर? आईएसओ एक ऐसी कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है और इंटरनेशनल लेवल पर चीज़ों को अप्रूव करती है और बहुत सारी चीज़ों के लिए, प्रोटोकॉल्स के लिए एक मानक तैयार करती है। मतलब इसके द्वारा जो चीज़ अप्रूव कर दी जाती है उसको पूरा विश्व मानता है, पूरी दुनिया में उसको माना जाता है। तो इसी प्रकार से ओएसआई मॉडल को इसने अप्रूव किया है, इसीलिए कंप्यूटर नेटवर्किंग में ओएसआई मॉडल को सभी लोग मानते हैं और सभी लोग फॉलो करते हैं। ओएसआई मॉडल जो है वो एक रेफरेंस मॉडल की तरह काम करता है। इसका मतलब व्यूअर ये है कि कंप्यूटर नेटवर्किंग में बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जिनको समझाने के लिए ओएसआई मॉडल को रेफरेंस मॉडल की तरह लेना पड़ता है। उसको रेफरेंस, ओएसआई मॉडल का रेफरेंस देकर समझाया जाता है। ठीक है, तो आगे समझते हैं। ये ओएसआई मॉडल ये समझाता है कि डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कैसे ट्रांसफर होता है वायर नेटवर्क में। मतलब एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें वायर लगे हैं, मतलब कंप्यूटर को वायर के द्वारा आपस में जोड़ा गया है, वायर्ड नेटवर्किंग है। तो उसमें डेटा कैसे फ्लो होगा, डेटा किन किन चरणों में, किन किन स्टेज में जाएगा, तो ये समझाता है ओएसआई मॉडल। ठीक है, अगला पॉइंट समझते हैं व्यूअर। ओएसआई मॉडल इज ए लॉजिकल एंड कॉन्सेप्चुअल मॉडल दैट हैज 7 लेयर्स। मतलब कहने का ये है, एक कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल मॉडल है। लॉजिकल मॉडल मतलब इसको हम समझ सकते हैं, इसको महसूस कर सकते हैं, बट इसको हम देख नहीं सकते कि डेटा कैसे फ्लो हो रहा है। ये किसी भी कंप्यूटर में आप देख नहीं पाओगे डेटा कैसे फ्लो हो रहा है, बट उसे समझ सकते हैं। तो उसके लिए एक संकल्पना की गई है, एक लॉजिक बनाया गया है कि ये कैसे ट्रांसफर होता है। तो इसमें डेटा फ्लो को समझाने के लिए 7 लेयर का जिक्र होता है। 7 लेयर बनाई गई हैं। सेंडर साइड से, मतलब जो कंप्यूटर डेटा को सेंड करेगा उसको सेंडर कंप्यूटर या फिर सोर्स कंप्यूटर बोलते हैं, और डेटा को जो रिसीव करता है उसको हम रिसीवर कंप्यूटर या फिर डेस्टिनेशन पीसी बोलते हैं। ठीक है, तो सेंडर साइड से भी वही लेयर फॉलो होती हैं और रिसीवर साइड से भी वही लेयर फॉलो होती हैं। तो डेटा जो फ्लो होता है तो सेंडर साइड से जो पहली लेयर होती है उसको बोलते हैं एप्लीकेशन लेयर, और रिसीवर साइड से जो पहली लेयर होती है उसको हम फिजिकल लेयर बोलते हैं। बट हमेशा हम ऐसा मानते हैं कि सेंडर और रिसीवर जो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, तो हम पहली लेयर जो काउंट करेंगे वो रिसीवर साइड से काउंट करते हैं, यानी फिजिकल लेयर को हम फर्स्ट लेयर मानते हैं। चलिए इन लेयर के बारे में और समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो व्यूअर, फर्स्ट लेयर कहलाती है फिजिकल लेयर। जी हाँ, फिजिकल लेयर का मतलब है एक ऐसी लेयर जो सेंडर और रिसीवर यानी दो कंप्यूटर को आपस में फिजिकली कनेक्ट करती है, जिसको हम देख सकते हैं फिजिकली कंप्यूटर हमारे कनेक्ट हैं। ठीक है, सेकंड लेयर होती है डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर पे हमारा मैक एड्रेस काउंट होता है, मैक एड्रेस के द्वारा वर्किंग होती है। वो कैसे होती है आगे बताएंगे आपको। तो थर्ड लेयर नेटवर्क लेयर कहलाती है। नेटवर्क लेयर पे हमारा आईपी एड्रेस इस्तेमाल होता है, डेटा में ऐड होता है, तो वो भी हम आगे बताएंगे आपको अगले वीडियोस में। तो ट्रांसपोर्ट लेयर नेक्स्ट लेयर है, इसके बाद हमारी सेशन लेयर है, और इस प्रकार से प्रेजेंटेशन लेयर, और लास्ट हमारी एप्लीकेशन लेयर है। अब इन लेयर को समझने के लिए कुछ कैटेगरी में बांटा गया है 7 लेयर को। तो फर्स्ट जो लास्ट की 3 लेयर हैं, 5th, 6th और 7th, इनको हम अपर लेयर के नाम से जानते हैं। जी हाँ, ऊपर की 3 लेयर को हम अपर लेयर के नाम से जानते हैं, बीच की लेयर मिडिल लेयर के नाम से जानी जाती है,
और लास्ट जो नीचे की तीन लेयर हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनको हम लोअर लेयर के नाम से जानते हैं। अब डेटा को अपर लेयर पे हम बोल सकते हैं डेटा, मतलब एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर पे डेटा को डेटा के नाम पे भी जाना जाता है। मतलब डेटा अगर इन तीन लेयर में से किसी भी लेयर पे प्रेजेंट है तो डेटा को हम डेटा के नाम से ही पुकारते हैं। नेक्स्ट जो मिडिल लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर, उस पर हम डेटा को सेगमेंट्स के नाम से जानते हैं, उसको हम सेगमेंट्स बोलेंगे। नेटवर्क लेयर पे डेटा को हम पैकेट के नाम से जानते हैं, मतलब डेटा पैकेट के रूप में होता है अगर वो नेटवर्क लेयर पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट डाटा लिंक लेयर पे डेटा को हम फ्रेम के नाम से पुकारेंगे और फिजिकल लेयर पे डेटा को हम बिट के नाम से जानेंगे। ठीक है व्यूअर, तो इस प्रकार से हर लेयर का अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग काम है और हर लेयर पर डेटा को प्रोसेस करने के लिए प्रोटोकॉल्स वर्क करती हैं। तो आगे वीडियोज में हम जानेंगे हर एक लेयर के लिए, हम अलग अलग वीडियोज में आपको बताएंगे कि डेटा के साथ क्या होता है और इसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है। तो अगले वीडियोज में हम एक एक वीडियोज में आपको समझाएंगे हर लेयर के बारे में। तो ये वीडियो इतना ही था व्यूअर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए व्यूअर, थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।